फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग ब्लॉग यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आज लेकर आया हूं कैंपस के जो कैंपस टर्मिनेटर रनिंग शूज़ हैं उसका रिव्यू, और इसे आप अनबॉक्सिंग भी कह सकते हैं। हालांकि इसके जो मेन कंपोनेंट्स उनको मैंने बाहर उनको अलग कर दिया है ताकि आसानी से खोला जा सके और वीडियो में किसी भी तरह कोई दिक्कत ना जाए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए कि ये आप देख सकते हैं कि ये है हमारा कैंपस। अब वक्त है हमारा और ये कैंपस टर्मिनेटर रनिंग शूज़ हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसकी जो असलियत है, वास्तव में ये प्रोडक्ट कैसे हैं, ये शूज़ कैसे हैं, इनको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सब कुछ बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से जान जाएंगे कि ये प्रोडक्ट आपका कैसा है। यहाँ पर ग्रे कलर के शूज़ हैं मेरे पास में और मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ। और ये देखिए कि ये मैंने बाहर इनको निकाल के रख लिया है। आगे यहाँ पर देख लें तो इस बॉक्स में ये सिल्का का जो पैकेट है वो मिल जाता है। और ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रांडिंग है इस कागज़ में कैंपस की, इसको एक तरफ कर देते हैं। और एक छोटा सा यहाँ पर थैला मिलता है और ये थैला आप इसमें डाल के ले जा सकते हैं कहीं पर भी आपको जाना है अपने शूज़, तो इसके लिए है, नॉर्मल सा ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब वक्त है हमारा, आगे यहाँ पर देखते हैं मेन चीज़ जो हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखिए जो शूज़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये फ्रेंड्स यहाँ पर शूज देखिए कि शूज काफ़ी बड़ा शूज लगता है। और आप इसको ऐसे देखेंगे तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पर एकदम मैट फिनिश है और काफ़ी अच्छा लगता है और हल्की सी एयर भी पास होती रहेगी। और यहाँ पर आप देखिए कि ये एक हल्का सा उस तरह का रैक जीन टाइप का महसूस होता है। और हालांकि इसमें अंदर से रेसे भी हैं इसमें। और आप यहाँ देखिए कि पीछे यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम लिखा है कैंपस की, यहाँ पर ब्रांडिंग है। पीछे से अगर देखें तो यहाँ पर लोगो है कैंपस का और यहाँ पर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं शूज़ पहनने के लिए। और नीचे अगर आप सोल की बात करें तो यहाँ पर देखिए रबड़ यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर लिखा है एंटी स्केट, यानी कि अगर आप कहीं पर चिकनी सतह में या आप टाइल्स वगैरह में चलते हैं तो ये जो रबड़ है उसको बहुत आसानी से पकड़ लेती है। और आप जब दौड़ते हैं या कुछ भी होते हैं तो फिसलने की यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं है, फिसलने का लफड़ा आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, फिसलता नहीं, बहुत अच्छी तरीके से पकड़ के रखता है। तो नीचे आप यहाँ पर देखिए कि पूरे सोल में ये ऐसा आपको दिख रहा है, पूरे सोल में ये रबड़ लगा हुआ है। इस तरीके से ये जहाँ पर भी आप चिकनी सतह में पैर रखेंगे उसको पकड़ के रख लेगी। आगे यहाँ पर देखें कि इसकी जो चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मुझे इसकी क्या अच्छी चीज़ें लगी हैं। और आप जब इसको मंगाएंगे या अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इसको मंगाएं या नहीं मंगाएं, मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बताऊंगा। इसकी जो अच्छाइयाँ हैं, इसकी जो बुराइयाँ हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। आगे यहाँ पर इसको मैं निकाल लेता हूँ, अंदर यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ें डली हैं। जैसे कि फ्रेंड्स जानते हैं कि कैंपस एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छे जूते बनाता है, देखने में लुक इनका बहुत अच्छा लगता है। और खासकर जब आप ऑनलाइन इमेज देखते हैं तब भी ये जो शूज़ हैं देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, हो सकता है वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे लग रहे हों। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो शूज़ है आपको देखने में ही अच्छे लगेंगे जब आप इनको पहनेंगे, और जिस मकसद से आप इस शूज़ को मंगा रहे होंगे उस मकसद में फिट नहीं बैठता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो शूज़ है मैंने मंगाया हुआ था रनिंग के लिए, ताकि मैं एक्सरसाइज कर सकूं, रनिंग कर सकूं, और या कहीं पर हमें जाना है तो जींस के साथ में इसको पहन सकें, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जब मैंने इसको मंगाया और मैंने इसको जब पहन के देखा तो मैंने पाया कि एक तो ये जो शू है काफ़ी ब्रॉड मालूम होता है जब आप पैर में इसको पहनते हैं, यानी कि काफ़ी बड़ा साइज दिखाई देता है इस शूज का। अगली बात यहाँ पर देखें कि इसका जो सोल है उसकी मोटाई काफ़ी है और जब आप इसको पहनते हैं तो हल्का सा ऊंचा ऊंचा सा मालूम होता है। और जो यहाँ पर देखें कि काफ़ी हैवीनेस मालूम होती है, यहाँ पर साइड में आप देखें तो बगल से इसके जो एज है वो दिखाई देते हैं, तो काफ़ी बड़ा शूज दिखाई देता है। अगली यहाँ पर बात हम करें कि यहाँ पर देखें कि ये जो रबड़ है ये तो नहीं दबता है, लेकिन यहाँ पर ये जो सोल है इसको आप दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा दब जाता है। होता ये है फ्रेंड्स कि जब आप इसमें पैर डालते हैं, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर नीचे जो इसमें ये जो गद्दी लगी है ये भी बहुत गद्देदार है,
जब आप इसको में पैर डालते हैं और आप चलते हैं तो यहाँ पर देखिए कि ये रबड़ होने की वजह से इस सोल का जो संपर्क है सतह से वो तो बहुत अच्छी खासी पकड़ रखता है सोल सतह से, लेकिन जो आपका पैर है उसकी पकड़ सोल से ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि आपको मज़ा नहीं आता है, कड़ाई महसूस नहीं होती है और एकदम गद्दे सा फील होता है जब आप इसमें इस शूज को पहन के दौड़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं गद्दे में पैर रख रहा हूँ। और ऐसे क्या होता है कि आप इसमें शूज में ज़्यादा नहीं दौड़ सकते हैं और आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा दौड़ने में, ज़्यादा पकड़ पैर और जो सोल है उसमें पकड़ कम मालूम होती है और इससे क्या होती है आपकी जो रनिंग है वो प्रभावित होती है, आपको मज़ा नहीं आएगा। अगली बात फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जब इसको पहनेंगे दो चार बार तो यहाँ पर आप देखिए हल्का सा यहाँ ये साइड में खिंचाव जैसा मालूम हो रहा होगा, ये इस तरह का, तो वो चीज़ें खिंचाव हल्का सा महसूस होगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर एकदम मैट फिनिश है, हल्की सी एयर पास होगी यहाँ पर, और कुछ समय पश्चात जब आप इनको पहनेंगे और अगर इसमें पानी पड़ता है तो ये यहाँ पर ये जो चीज़ लगी हुई है इसमें स्क्रैच आ जाएंगे, कट लग जाएंगे और फिर जो शूज़ है वो आपका ख़राब दिखने लग जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इसको 100% ख़राब होना, हालांकि ये पर्याप्त समय तक चल जाएंगे, लेकिन इसमें अगर पानी पड़ता है और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं 7 से 8 महीने तक आप इसको यूज करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें स्क्रैच आ जाएंगे, कट लग जाएंगे। आगे यहाँ पर देखिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप इसको पहन के दौड़ेंगे तो यहाँ पर जो आप पैर आपका जाता है और नीचे सोल के संपर्क में आपका पैर आता है और जब आप दौड़ते हैं तो पैर का जो निचले का हिस्सा है यानी कि जो गद्दी है इतनी जोर से पैर को गर्म कर देती है कि आप ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं सकते। दूसरी चीज़, गद्देदार बहुत है इसलिए आपका जो सोल है और आपका जो पंजा है उसमें पकड़ महसूस नहीं होती। दौड़ आप तभी अच्छी तेज़ी से सकते हैं और आपको दौड़ने में तभी मज़ा आएगा जब आपका पैर और जो सोल का संपर्क अच्छा हो, साथ में सोल का जो सरफेस यानी कि जो जमीन है उससे भी अच्छा खासा संपर्क हो। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हाँ, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि भाई हम इसको जीन्स के साथ में पहन लें और कहीं पर जाना है तो ये निश्चित रूप से जो शूज़ है काफ़ी अच्छा लगेगा। और लेकिन एक बात का फ्रेंड्स ख्याल रखिए कि इस शूज को पहन के दौड़ना मना है, क्योंकि अगर आप इसको दौड़ेंगे पहन के तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ज़्यादा दौड़ेंगे आपका पैर बहुत ज़ोर से गर्म हो जाएगा और आपको रुकना पड़ेगा, आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, ये मैं आपको एकदम क्लियर करके आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैंने इनको मंगाया हुआ है और ये मुझे अच्छे नहीं लगे हैं, इस वजह से मैं इनको रिटर्न भी कर रहा हूँ। मेरा मानना है ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और ऐसा ही शूज़ ये भी है, नीचे लिखा हुआ है एंटी स्केट यानी कि ये फिसलेंगे नहीं। ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, प्रोडक्ट भी वैसे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जब आप इसको अपने हाथ में लेंगे तो आपको ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगेगी। और ढेर सारे वेरिएंट भी हैं, इसके कलर भी अलग अलग हैं, चाहे तो आप मंगा सकते हैं, लेकिन दौड़ना मना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये कैंपस टर्मिनेटर रनिंग शूज़ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये रनिंग के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं और इस वजह से मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ कि आप इनको रनिंग के लिए ख़रीदें। रनिंग के लिए अगर आप ख़रीदना चाहते हैं कि और भी ढेर सारे ब्रांड हैं, जैसे इसका आप देखते हैं कि मैक्सको वाला वेरियंट है और भी काफ़ी सारे वेरियंट हैं, उनको आप ले सकते हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरा मानना है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस तरह वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।